शुरू करता हूं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यहूदियों का एक ऐसा त्यौहार है जिसे वो अपने लिए नए साल का आगाज करार देते हैं, और इस दौरान दो दिन तक जारी रहने वाली तमाम रसूमात और तकरीबात का बुनियादी मकसद अपने आने वाले साल के लिए खुशियों की दुआ मांगना और अपने पिछले गुनाहों से तौबा करना होता है। यहूदियों के इस नए साल की आमद से मुतल्लिक त्यौहार के पीछे हकीकत क्या है, और ये बाकी मुल्कों की तरह जनवरी की बजाय साल के वस्त में क्यों मनाया जाता है, और इन दो दिनों के दौरान यहूदी अपनी कौन कौन सी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। बताया जाता है कि इस फेस्टिवल की जड़ें यहूदियों की मजहबी किताब से मिलती हैं, जो कि तारीख में एक पहले से मौजूद त्यौहार ट्रेम्पटस की एक मौजूदा शक्ल है, जिसका जिक्र किताब आबार में भी मिलता है। इस दिन को सबसे पहले आराम के वक्त के तौर पर मार किया गया था, जिसके लिए एक सुअर की शक्ल में मेंढे के सींग को भूनकर उस दिन का बाकायदा ऐलान किया जाता था, और लोगों से कहा जाता था कि होली कन्वोकेशन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, इस दिन की अहमियत मुख्तलिफ रसूमात, रिवाज और रिवायात से जुड़ती चली गई, और ये दिन इंसानियत और दुनिया की तखलीक के जश्न में बदल गया, जैसा कि यहूदियों की मुकद्दस किताबों में बयान किया गया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदियों के मजहबी उलमा ने रोश हशाना को अपनी आवाम के लिए एक नए साल के आगाज के तौर पर नामजद कर लिया, जिसमें ये मान लिया गया कि इन दो दिनों में तमाम यहूदी अपने गुजरे हुए साल का जायजा ले सकते हैं, जिसमें वो अपने सारे किए हुए गलत काम याद करेंगे, पछताएंगे और माफी मांगेंगे, और अपने आने वाले साल में अपने लिए कुछ नए टारगेट्स मुकर्रर करेंगे। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत बन गई कि यहूदी इस दिन अपने पिछले साल की तमाम खताओं को याद करके इनके लिए माफी मांगते हैं, और जिंदगी को एक नए और अच्छे अंदाज में गुजारने के अहद की तजदीद करते हैं। रोश हशाना की तारीख से हटकर आपको बताते चलें कि यहूदियों के लिए ये त्यौहार हर साल सितंबर या अक्टूबर में आता है, जो कि नए चांद को देखने के साथ ही शुरू हो जाता है, और इस सिलसिले में जश्न के आगाज का ऐलान करने के लिए हसब रिवायत आज भी मेंढे की सींग की मदद से सुअर फूंका जाता है, जिसके फौरन बाद यहूदी सबसे पहले तौबा की दुआएं मांगने के लिए अपनी इबादत गाहों का रुख करते हैं। दो दिनों के लिए तमाम किस्म के कामों से गुरेज किया जाता है, और सिर्फ इस त्यौहार की रसूमात और रिवायात पूरी करने में वक्त गुजारा जाता है। इस त्यौहार की चंद मकबूल रसूमात में से सबसे ज्यादा मुकद्दस समझी जाने वाली रस्म नदी के किनारों पर चलना और साथ साथ तौबा की दुआएं मांगते जाना है। इस दौरान रोटी के टुकड़े भी साथ साथ दरिया में फेंके जाते हैं, जिन्हें अलामती तौर पर गुनाहों को दूर करने का एक जरिया समझा जाता है। नाज़रीन, इस त्यौहार के दौरान चंद मखसूस किस्म के खाने भी इबादत समझकर बनाए और खाए जाते हैं, जिनमें खास तौर पर सेब को शहद में डबोकर खाना पसंदीदा अमल समझा जाता है, और ये इस बात की अलामत होता है कि आने वाला नया साल इनके लिए मीठी खुशियों से भरा हुआ होगा। इस मौके पर अनार भी खाए जाते हैं, जिनके बीज तौरात में बहुत से अहकामात की अलामत है। चूँकि रोश हशाना सितंबर के वस्त से लेकर अक्टूबर के आखिर तक किसी भी तारीखों में आ सकता है, लिहाजा ये वो वक्त होता है जब इसराइल में नए तालीमी साल का आगाज भी होता है। चुनांचे इस त्यौहार की छुट्टियों को पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है। इस दौरान यहूदी खानदान इस त्यौहार को अपने अपने तरीकों से भी मनाते हैं, जहां हर खानदान अपनी चंद मखसूस रिवायात को हर साल दोहराते हैं, ताकि वो अपने बच्चों के लिए उन दिनों को ज्यादा से ज्यादा यादगार बना सके। कुछ लोग अपनी फैमिलीज के साथ अपने फार्म हाउसेस पर चले जाते हैं, जहाँ वो खास तौर पर सेब के बागात का दौरा करते हैं और मुकद्दस रसूमात अदा करने के लिए सेब इकट्ठे करते हैं। कुछ खानदान इस मौके पर एक ही जगह इज्तिमाई दावतों का एहतमाम करते हैं, जहाँ मखसूस पकवान बनाए और खाए जाते हैं। इन दावतों में ज्यादा तादाद मीठे की होती है। पूरा खानदान एक जगह जमा होकर इन खानों से लुत्फ़अंदोज़ होता है, और फिर अपने करीब के दरिया या झीलों का रुख किया जाता है, जहाँ वो एक इज्तिमाई वाक के दौरान रोटी के टुकड़ों को पानी में फेंकने की रस्म भी एक साथ अदा करते हैं। इस दौरान खानदान के छोटे छोटे बच्चों से भी ये रस्म अदा करवाई जाती है, जिसमें इन्हें भी अपनी गलतियां याद करने का कहा जाता है। इस प्रैक्टिस से बच्चे न सिर्फ अपने मजहबी रसूमात से वाकफियत हासिल करते हैं, बल्कि इनकी अहमियत को भी समझते हैं। इस सिलसिले में एक और दिलचस्प अमल जो यहूदी इस त्यौहार का एक हिस्सा समझकर करते हैं, वो ये है कि तकरीबन हर खानदान अपने घरों के बाहर बिलकोनियों में या रेस्तरां और कैफों के बाहर आरजी खेमे लगाते हैं, जहाँ वो अपने साथ साथ अपने मेहमानों को भी मधु करते हैं, और इन खेमों में त्यौहार की मुनासबत से मुख्तलिफ रंगारंग खाने पेश किए जाते हैं। इस मौके पर अपने साथ मौजूद मेहमानों को एक एजाज के तौर पर लिया जाता है।
बड़े बड़े होटल्स और ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स भी इस मौके की मुनासबत से खाली जगहों पर आरजी खेमे लगाकर लोगों के लिए इस त्यौहार को यादगार बनाते हैं। चुनांचे वो सयाह जो सितंबर या अक्टूबर के आखिर में इसराइल का विजिट करते हैं, इन महीनों में इन्हें यहाँ जगह जगह कई किस्म के आरजी खेमे दिखाई देते हैं, चाहे वो घर हो, बिल्कोनिया या रेस्तरा। प्यारे साथियों, जिस तरह हम मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारक देते हैं, कार्ड्स भेजते हैं और अब आजकल मैसेजेस और फोन कॉल्स के जरिए मुबारकबाद के पैगाम भेजे जाते हैं, इसी तरह ज्यूइश कम्युनिटी एक दूसरे को हैप्पी रोज शशाना विश करते हैं। और चूंकि वो इस त्यौहार को अपने लिए नए साल की इब्तिदा मानते हैं, चुनांचे वो एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर नए साल की मुबारकबाद के पैगाम भी भेजते हैं। अगर इस त्यौहार का एक मुख्तसर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि यहूदियों के लिए ये त्यौहार सिर्फ नए साल की आमद की खुशी मनाने का दिन नहीं है, बल्कि इनके लिए एक तजदीद अहद का दिन माना जाता है, जिसमें वो अपने पिछले पूरे साल का जायजा लेते हैं, अपनी गलतियों पर नजर डालते हैं और तौबा का एहतमाम करते हैं, अपनी इबादत गाहों में इज्तिमाई दुआएं और इबादत करते हैं। इसके अलावा ये अपने आने वाले पूरे साल के लिए नए सिरे से खुद को तैयार करते हैं और अपने मुआशरे के लिए एक कारामत शहरी बनने का सफर नए सिरे से शुरू करते हैं।